हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके व्यूवर्स। और जनरल रीडिंग है तो उसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है हाँ सही गाइडेंस और एडवाइजेस मिली हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो आपके। सो व्यूवर्स, देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए। सबसे पहले वो चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव गार्डन एंड द गेट की एनर्जी निकल के आती है व्यूअर्स आपके लिए। 30 नंबर का कार्ड है। बॉटम से हम एप्रिसिएशन देखते हैं। ओके, बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहेंगे डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहेंगे। फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स का आता है, 7 ऑफ वैंड्स, वी हैव मैजिशियन एंड द 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल के आती है। सो आई थिंक व्यूवर्स आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। व्यूवर्स देखिए, 48 आवर्स आपके लिए कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि आप में भी अपनी लाइफ में कुछ आस्पेक्ट अपनी लाइफ के हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का ऐसा होगा व्यूवर्स पार्ट जिसको आप एक्सप्लोर करने की, मतलब कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करने की, या फिर समवेयर व्यूवर्स ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को, लेकिन फील ऐसा करें जिस लायक कि आपके लिए कुछ और अनदर बेहतर ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक कुछ मुझे यहाँ पर आप लोग कुछ अपनी लाइफ का ऐसा पार्ट है जो आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, कुछ अपनी लाइफ में आपको आप मतलब ऐसा दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है। आपकी उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है वो क्योंकि फिज़िकल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखा रहा है कि आप डेडिकेटली मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, उसको किसी पे किसी ना किसी कीमत पे आपको उसे पूरा करना है टास्क को विद एन लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि यार ये टाइम ड्यूरेशन है, मुझे इसके अंदर ये काम को पूरा करना ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेके या तो बहुत सारे एफर्ट्स हो सकते हैं या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि हाँ आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन समवेयर क्योंकि टास्क बड़ा है, ऐसा हो सकता है जो भी आप टास्क अपनी लाइफ में कर रहे हो उसको लेके फीलिंग लाइक यार अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा जैसे काम आ जाता है, सडन बहुत ज़्यादा काम आ जाना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, डेडिकेटली वर्क करना, सेटिस्फाई नहीं होना खुद के काम से भी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये काम मेरे स्टैंडर्ड को डिज़र्व नहीं करता है, या फिर मुझे कहीं ना कहीं इसमें और बेहतर करना है। तो ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि सम टाइम आपके माइंड में बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रह सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप अपनी लाइफ में जितना भी कर सकते हो आप कर रहे हो, लेकिन यू फील लाइक कि अगर मैं इससे ज़्यादा अगर बेहतर करके दिखाऊं, या इससे ज़्यादा कुछ बेहतर करूं, ठीक है, या फिर मुझसे मेरे पास इससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो आप जैसे कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसा टास्क यहाँ पे करने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कहीं ना कहीं करना बहुत मुश्किल या टफ हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ में और मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ हद तक काम अपना पूरा कर लोगे, कुछ हद तक कहीं ना कहीं आपका काम पेंडिंग रह जाएगा और आप उसी के साथ में कहीं ना कहीं मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ये बात व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखाई देती है कि आप पैशनेट बहुत हो किसी भी काम को लेके, कि आपकी लाइफ का कोई भी आस्पेक्ट कोई भी काम हो सकता है, लेकिन आप मतलब हार मानने वाले नहीं हो, कि आप लोग ऐसे नहीं हो कि जो हार मान जाए या कहीं ना कहीं, लेकिन आप बैक एंड में आप लोग मुझे काम करते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हो,
स्लो वक्त तो थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि आपके लिए चैलेंजेस बहुत रहेंगे। मे भी एक काम को पूरा करना जाओगे तो दूसरे भी कुछ काम आपके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ऐसा फील हो रहा है व्यूवर्स की यहाँ पे आप लिविंग समथिंग बिहाइंड, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपका काम अप्रिशिएट करने के लायक नहीं है या फिर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप जितनी भी नॉलेज गेन करते हो, जितना भी काम करते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी इनफ रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने आप को सुपीरियर बनाने को लेके, आप अपने आप को अच्छा दिखाने को लेके, अपनी नॉलेज को प्रेजेंटेशन करने को लेके हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तरह से अपनी इमेज को बहुत अच्छा दिखाने को लेके आप मुझे यहाँ पे एफर्ट्स करते हुए नज़र आते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में। लाइट, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस एंड द अथॉरिटी, वही है व्यूवर्स। यहाँ पर आप अपनी, मतलब अपनी जो एक इमेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग दिखाते भी हो लोगों को, और स्ट्रांग बनाने के ऊपर आपका मतलब फोकस भी रहता है, ठीक है। आप मे भी अपने, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि यार मैं ये चीज़ जानती हूँ या ये चीज़ जानता हूँ, तो उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ ये नॉलेज मेरे पास है, और इसको लेके आपको फील भी होता है कि हाँ ये मेरे पास है और इसके लिए मैंने डेडिकेटली हार्डवर्क भी किया है, तो जाके मैंने कहीं ना कहीं ये पोजीशन जो है मैंने पाई है, इसको लेके मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन व्यूअर, जो आप पाने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हो उसको लेके ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप उन ऑब्स्टिकल से ओवरकम नहीं करेंगे। ऑब्स्टिकल व्यूअर्स ऐसे नहीं है कि आप में कोई कमी है, नहीं। जैसे होता है ना, कुछ अननेसेसरी सडन टास्क आ जाना, कुछ ऐसे कामों में उलझ जाना कि आप अपने मेन जो लीडिंग वर्क है उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या फिर आप उस काम को नहीं पूरा कर पाओ, कुछ ऐसी गाइज एनर्जी दिख रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले समय में आप उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे, और आप अपनी जो पोजीशन आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है सवाल व्यूअर्स, यहाँ पे आप उसको अचीव करेंगे। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है। आफ्टर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस व्यूअर्स मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चैलेंजेस हर एक के लिए अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। एक तरह के चैलेंजेस नहीं होंगे, किसी का माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, माइंड काम में वर्क ना लगे, या फिर आप ये बोलो कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। यू फीलिंग लाइक अलोननेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, या फिर आप ऐसा फील कर सकते हो कि यार मतलब कितना भी, मतलब जैसे कहते हैं टाइम फ्रेम की शॉर्टेज पड़ जाना, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम फ्रेम शॉर्टेज पड़ जाए लेकिन आपका काम बड़ा हो, तो ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन यू आर फीलिंग लाइक कि आप कहीं ना कहीं जितना भी आप अचीव करोगे वो आपके लिए, आपको आफ्टर सम टाइम रियलाइजेशन होगा कि वो काम मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो टाइम मेरा व्यर्थ नहीं गया उन चीज़ों में लगाना, उसका मुझे रिजल्ट मिला और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ स्टेबल भी हुई है। तो आप लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को एक सही दिशा में आगे लेके जा रहे हैं, स्टेबल हो रही है आपकी लाइफ, राइट। सो डोंट वरी व्यूअर्स, यहाँ पे ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये काम इतने टाइम में कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कमी रहती है तो उसमें कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आप लोग कर लोगे, ठीक है। मे बी 48 आवर्स में नहीं, 36 आवर्स में कर लोगे, लेकिन हो जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। हो, देखो वही है ना, हो जाएगा व्यूवर्स आपके लिए। जो भी आप अपनी उम्मीद लेके चल रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हो, उनसे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल के आओगे, और यू कैन सी आपकी सिचुएशन बेहतर हो रही है। सो लाइट एंड होप दोनों ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। कोई ऑब्स्टिकल आता भी है तो उसे घबराने का नहीं है, फॉर अ टाइम बिंग आएगा और चला भी जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 48 आवर्स में नहीं होगा, 36 में हो जाएगा, या तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ काम आपका हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, पीस ऑफ माइंड जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और सेलिब्रेशन की गाइज यहाँ पर एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट, आप जब उस टाइम फ्रेम से बाहर निकलोगे या उस काम को करके आप बाहर निकलोगे, तो यू फील लाइक रिलैक्स, एंड उसको हो सकता है कि आप अपने परिवार के बीच में होगा, अपने लोगों के बीच में होगा, आप उसको सेलिब्रेट भी करो, ठीक है। मतलब बताओ कि हाँ भी मैंने इतने टाइम के अंदर ये करके दिखा दिया, या फिर ये अचीव कर लिया, या फिर मेरा ये टास्क था मैंने पूरा कर लिया, समथिंग फील आएगी। अब फिर आपके पास में टाइम होगा, इनफ टाइम होगा कि आप अपने परिवार के साथ में टाइम बिता सको,
और उनके साथ में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड भी कर सको, ठीक है। मतलब एक तरह से जॉयस वाली एनर्जी गाइस नज़र आती है, जॉयफुल एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम, अगर आपका काम अटक गया है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बढ़ जाओगे आगे और फिर अपनी लाइफ को एक स्मूथ वे में जी सकोगे। मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए लकी चार्म लेने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके लिए लकी चार्म क्या रहेंगे। ओके, काफ़ी सारे आए हैं यहाँ पे। ओके, आपके लिए व्यूवर्स एक बात बोली जा रही है, आप जो भी काम करते हो उसे सीक्रेटली करा करो, आपके कामों को नज़र लग जाती है अगर आप किसी को बताते भी हो, ठीक है। तो काम बताओ मत, क्योंकि कभी कभी जो ऑब्स्टिकल आते हैं ना, वो नज़र की वजह से भी आ जाते हैं, नज़र दोष वगैरह जैसे हो जाता है उसकी वजह से भी आ सकते हैं। और व्यूवर्स, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने माइंड को कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है। अगर आपको डिसीजन लेते हो गुस्से में आके तो उसको नहीं लेना है, ये भी आपको बोला जा रहा है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी गुस्से में आके ले लिया जाता है, ये दिमाग में खलबली मच जाती है कि करना है तो अभी करना है, ठीक है। बिना सोचे समझे कुछ काम आपको नहीं करना है, थोड़े ठंडे दिमाग से शांत होके बैठिए, पहले सोचिए फिर कुछ बोलो फिर कुछ करो, ऐसा आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लाइफ व्यूवर्स आपकी कहीं ना कहीं ओवरकम होती हुई नज़र आती है, मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पर नज़र आता है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना, ये चीज़ें हैं। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए ट्रैवलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ट्रैवलिंग करो आप लोग, या फिर लाइफ में ही एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाओ, कुछ काम आपका एक कंप्लीट होके दूसरे कामों में आप इन्वॉल्व हो जाओ, ये भी गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। सो हैव होप कि कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो होंगी वक्त के साथ में, और आपको उसके बदले अप्रिसिएशन भी मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तारीफ ही होगी आफ्टर सम टाइम, जब चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, आप उनको बताओगे, रिवील करोगे, या फिर खुद पर खुद वो चीज़ें जब कहते हैं ना उनका फ्रूट दिखाई देने लगेगा, तो आपको लेके उनकी मतलब तारीफ भी की जाएगी। प्यार को लेके व्यूवर्स यहाँ पे 48 आवर्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। प्यार मोहब्बत दिल के मामले हैं, या फिर कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी हुई बातें हैं, दिल से जुड़े हुए कुछ काम हैं, वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर लक्ष्य साध के चलोगे तो वो पूरे भी हो जाएंगे, ठीक है। बस दिमाग को कंट्रोल में रखना, दिमाग मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़्यादा ही नज़र आता है। दिमाग को पेशेंस के साथ में चलाने की कोशिश करेंगे आप तो बहुत अच्छी से कहीं ना कहीं आप इनसे ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि आप व्यूअर्स यहाँ पे वर्क एंड वर्क बहुत कर रहे हैं, ठीक है, काम काम बहुत कर रहे हैं, चाहे वो लव को लेके हो, चाहे वो अपने करियर को लेके हो, चाहे वो अपने घर के कामों को लेके हो, लेकिन वही लग रहा है कि यार इतना काम कहाँ से आ गया, या फिर ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी। सो हैव पेशेंस, पेशेंस रखने की व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपके लिए। सो हैव पेशेंस, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ओवरकम हो जाएंगी। हैव होप, हैव पेशेंस, चीज़ें आपकी बेहतर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।